वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। प्लास्टिक आज एक वर्ल्ड प्रॉब्लम बना हुआ है। हर जगह प्लास्टिक पोल्यूशन है। हम सब ये जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम आज के समय में कुछ विशेष चीज़ों को लेकर प्लास्टिक पर डिपेंडेंट हो गए हैं। एक तो प्लास्टिक लाइट वेट है, ईजी टू फोल्डेबल है और ईजी टू कैरी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। प्लास्टिक एक नेचुरल मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट है। प्लास्टिक को बनाने में सेलुलोज, कोल, नेचुरल गैसेस, सॉल्ट और क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है। क्रूड ऑयल जो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भी प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। प्लास्टिक किसी अदर मटेरियल की अपेक्षा काफ़ी लंबा समय लेता है डिग्रेड होने में। एक प्लास्टिक ऑफ पीस सैकड़ों साल ले लेता है डिग्रेड होने में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुपर एंजाइम की, जो साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है, और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये प्लास्टिक को बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट कर देगा। 2016 में जापान के क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स की टीम लीड माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोहोई ओडा ने एक सरप्राइज डिस्कवरी को रिपोर्ट किया। ओडा की टीम ने एक रिसाइकलिंग साइट का निरीक्षण किया, जो कि पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट यानी कि PET से बने आइटम पर ही केंद्रित थी, या ये माने कि इस साइट का मेन फोकस PET को ही रिसाइकल करना था। PET एक क्लियर प्लास्टिक है जिसका यूज़ क्लोथ फाइबर और ड्रिंकिंग बॉटल्स बनाने में किया जाता है। लाइक ऑल प्लास्टिक्स, PET एक लॉन्ग स्प्रिंग लाइक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एक चेन से बनता है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बड़ी संख्या में आपस में जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। PET की इस चेन का केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यह इतना लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि हम सब सिंगल यूज प्लास्टिक में नहीं चाहते हैं, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का मेन कारण भी है। ओडा की टीम ने प्लास्टिक सेडिमेंट्स और वेस्ट वाटर जो कि PET से कंटामिनेटेड यह संक्रमित था, उस वाटर के सैंपल कलेक्ट किए और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्क्रीनिंग की जो प्लास्टिक पर ग्रो हो सकते हैं। यहाँ ओडा की टीम को बैक्टीरियम का एक नया स्ट्रेन मिला। इस बैक्टीरिया को इडियोनेला सिकाइसिस 201F6 का नाम दिया गया है। ये माइक्रोब PET के पीसेस पर ग्रो हो सकता है। इतना ही नहीं, ओडा की टीम ने यह दावा भी किया है कि यह बैक्टीरियम PET को अपने मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करेगा। मतलब यह बैक्टीरिया सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने मुख्य भोजन के तौर पर यूज़ करेगा और उसे डिग्रेड करेगा। इस रिसर्च की विशिष्टता या स्पेशलिटी यह है कि बैक्टीरिया दो टाइप के एंजाइम्स रिलीज करेगा। एंजाइम्स के बारे में हम सब जानते हैं कि एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है। एंजाइम्स लाइफ के लिए क्रूशियल है। उदाहरण के तौर पर हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं, एंजाइम्स इन पर केमिकल रिएक्शन करता है और खाने के कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को सिंपल केमिकल्स में ब्रेक कर देता है, जिससे बॉडी इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च जो कि गेहूं, आलू, चावल में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये एमाइलेज स्टार्च के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देता है। एडिनेला सकाइसिस 201F6 टू यूनिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें पहला है PTAs जो PET की लॉन्ग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, जिसे MHET कहा जाता है, और सेकेंड एंजाइम MHETAs तब काम करता है जब इथाइलिन ग्लूकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों केमिकल्स PET के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सो एडिनेला सकाइसिस 201F6 पूरी तरह से PET ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है।
इसके बाद 2018 में सेंटर ऑफ एंजाइम इनोवेशन के एक ग्रुप ने PETAs को इम्प्रूव करने का दावा किया है। इस ग्रुप ने यह बताया है कि PETAs और MHETAs के DNA को एक साथ लाकर सुपर एंजाइम बनाया गया है जो कि प्लास्टिक डाइजेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। बायोलॉजिस्ट मैक गेहन, जो इस स्टडी के लीड ऑथर हैं, ने प्रेस को बताया कि PETAs प्लास्टिक सरफेस पर अटैक करेगा और MHETAs फर्दर प्रोसेस में काम करेगा। तो इस तरह ये सुपर एंजाइम प्लास्टिक डिग्रेड्स की स्पीड को 6 times फास्टर कर देगा। होपफुली साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया ये सुपर एंजाइम अर्थ पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अर्थ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने में मदद करें। इसके लिए अपने घर में यूज़ किया हुआ प्लास्टिक और प्लास्टिक बॉटल्स को यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय कबाड़ी वाले को दें, क्योंकि कबाड़ी वाला इन प्लास्टिक बॉटल्स और स्टफ्स को सीधा रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुँचाता है।